नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्लॉट चेन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैं आपके लिए नए नए विषय पर वीडियो बना रहा हूं आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेन गेट के बारे में मुख्य द्वार के बारे में मुख्य द्वार लगाते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊँगा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तरमुखी आपका प्लॉट है तो आपको अपना मुख्य द्वार किस दिशा में लगाना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है जब आप अपना मुख्य द्वार नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ फेसिंग में लगाएं तो मुख्य द्वार आपका नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक के बीच में आना चाहिए नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना चाहिए यहाँ पर मुख्य द्वार लगाते समय खास बातें आपने जो ध्यान रखनी है ज़्यादातर देखने में आता है जो व्यक्ति गलती करते हैं जो हमारी दीवार होती है दीवार की जो मोटाई होती है उसकी मोटाई से ज़्यादा मोटे पिलर बना लिए जाते हैं गेट को खड़ा करने के लिए गेट को रोकने के लिए ऐसा करने से होता क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है वो हैवी हो जाता है किससे साउथ वेस्ट कॉर्नर से पिलर वहाँ का हैवी हो जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का भी पिलर हैवी हो जाता है और उसका जो दूसरा पिलर बनता है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर बनता है तो वो भी हैवी हो जाता है तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए आपको जो पिलर बनाने हैं जो आपकी दीवार की मोटाई है उसी मोटाई के बराबर कराएँ दीवार आपकी नौ इंच की है तो पिलर को भी आप नौ इंच का ही तैयार कराएँ उसको चौदह इंच का या अट्ठारह इंच का पिलर ना बनाएँ ना तो उस पिलर को बाहर की ओर निकाले और ना ही उस पिलर को अंदर की ओर निकाले आपको अपने उस पिलर के अंदर मजबूती बनानी है तो उस पिलर को दीवार की लंबाई के बराबर ही यानी जैसे दीवार है आपकी उसी दीवार के पैरल आप उसको नौ इंच की बजाय अट्ठारह इंच का अठारह इंच की बजाय चौबीस इंच, इंच का बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दीवार से अंदर की ओर या बाहर की ओर पिलर निकलता है तो वो नुकसानदायक रहता है इसी के साथ जो पिलर की हाइट बने वो हाइट आपकी चार दीवारी की हाइट के बराबर होनी चाहिए आपका जो गेट लगेगा वो गेट आपका लाइट वेट का होना चाहिए जाली वाला होना चाहिए वजन में हल्का होना चाहिए मेन गेट आप इस तरीके से लगाएं कि मेन गेट की जो हाइट है वो आपके पिलर के बराबर हो पिलर से ऊपर मेन गेट की हाइट नहीं जानी चाहिए और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जब आप मेन गेट लगाएं तो मेन गेट के जो दोनों पल्ले हैं वो इस प्रकार से लगे कि प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए आपस में पल्ले बहुत ज़्यादा टाइट होकर बंद ना हो पल्ले आगे पीछे की ओर झुके हुए ना हो और ना ही पल्लों के अंदर बैठ जाना चाहिए जो दरवाजे होते हैं जो मुख्य द्वार है उसका जो पल्ला है जो दरवाज़ा है उसके अंदर बैंड नहीं आना चाहिए दरवाज़ा अपने आप खुलना नहीं चाहिए अपने आप बंद नहीं होना चाहिए उंगली के इशारे पर ही आपका मेन गेट चलना चाहिए इस तरीके से आपको अपना मेन गेट नॉर्थ ईस्ट के जोन में लगवाना है आज मैंने आपको मेन गेट के बारे में बताया कि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो मेन गेट आपको किस प्रकार से कैसे लगाना है आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित तो प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को प्रिंट कराया और समाज में बांटा और समाज इस पुस्तक को पढ़कर वास्तु के प्रति जागरूक भी हुआ आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी ये सीरीज़ है ये आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार